वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग के मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जीवन की सच्चाई, उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। इस सिलसिला इस्तेमाल के एतबार से अलविदाई तोहफा होगा। अब मैं आगाज कर रहा हूं। पहली बात, इस संबंध में तीन बातें मुझे कहनी है। सबसे पहली बात यह कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम भुलाए रखते हैं, अपने जहन से उसे दूर रखते हैं, लेकिन वाकया यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। खुदा के मुनकर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने आयत आपको सुनाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी तरफ लौटा दिए जाओ। तो जिंदगी की सबसे अहम हकीकत मौत, और मौत के बाद रुजू इल्लाह, आखिरत, ये सबसे बड़ी हकीकत है। एक हकीकत सब मानते हैं, सब जानते हैं, दूसरी हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ। मैंने इस एतबार से नोट किया, ये अल्फाज कुरान में तीन मरतबा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अंबिया इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, रसूल इससे मुस्तस्ना नहीं रहे, औलिया अल्लाह मुस्तस्ना नहीं रहे। वक्ती तौर पर इस्तिस्ना हजरत ईसा का है कि अभी वो जिंदा हैं, लेकिन ईसा याती अलैहिल मौत, हुजूर ने फरमाया ईसा पर भी मौत आएगी। जब दोबारा आएंगे, जमीन पर उतरेंगे, फिर उसके बाद उन पर मौत वारिद होगी, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उन्हें दफन किया जाएगा हुजूर के पहलू में, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी। बाकी तो यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मौत का मजा चखना है। ईसा भी बिल आखिर उससे मुस्तस्ना नहीं रहेंगे, बल्कि कुरान में एक जगह कहा गया है, अफ़इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, क्या है नबी, अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये क्या हमेशा रहेंगे? कौन है दुनिया में जो हमेशा रहे? इंतकाल तो होना, आपका भी होना है। इनका मैयतुन व इन्नहुम लमैयतून, ये तो मुख्तसर तरीन अल्फाज थे। इससे आगे बढ़िए, सूरह अंबिया में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लूकुम बिश्शर वल खैर फितना वइलैना तुरजऊन, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और उससे पहले पहले हम तुम्हें आजमाते रहेंगे, खैर के जरिए भी, भलाई देकर, सेहत देकर, दौलत देकर, औलाद देकर, शोहरत देकर, और बुराई के जरिए से भी, तंगदस्ती देकर, बेइज्जती देकर, एहानत देकर, जिल्लत देकर। वइलैना तुरजऊन, और फिर हमारी तरफ लौटाए जाओगे। ये वो दूसरी हकीकत जो मैंने कहा कि जिस पर पर्दा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पर्दा है। लोग यही समझते हैं कि यही दुनिया की जिंदगी है। कुरान कहता है इन दारल आखिरत लही अल हयाबाल लो कानु यालमून, ये तो आखिरत वाली जिंदगी है जो असल जिंदगी, काश के नमाज। इससे भी ज्यादा तफसील से ये आले इमरान में आई आयत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और फिर तुम्हें पूरा पूरा तुम्हारा अजर और बदला दे दिया जाएगा क़ियामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िला अल-जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो कोई आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो तो कामयाब हो गया। अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो सिवाय धोखे के सामान के और कुछ नहीं है। धोखा किस मानी में? यह तुम्हें असल जिंदगी से गाफिल कर देती है। तुम कहीं सफर पर जा रहे थे, तुम्हारा कहीं घर था, तुम्हें वापस आना था, तुम रास्ते ही में किसी दिलचस्पी में ऐसे मगन हुए कि घर बार सब भूल गए,
ये तो तुम्हारा आरसी सा सफर था, तुमने इसी को अपनी मंजिल बना लिया, अपना ठिकाना बना लिया, तो धोखा दिया इसने तुम्हें। वैसे दुनिया की जिंदगी धोखा नहीं है, बड़ी हकीकत है, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया इन्नमा दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, यहां बोओगे तो वहां काटोगे, यहां कुछ कमाई करोगे तो वहां उसका बदला मिलेगा। इस एतबार से दुनिया बहुत बड़ी हकीकत है, एक एक लम्हा बहुत बड़ी कीमती शय है। लेकिन अगर ये दुनिया तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दे तो इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं। ये असल दज्जाल है। मैंने तकरीबन 60 बरस की उम्र को जब मैं पहुंचा था तो मौत का इंतजार शुरू कर दिया था। मेरे करीबी अहबाब को मालूम है, मैं कहता रहा, ये भी कहता रहा कि भाई मैं अपने हिस्से का काम कर चुका हूं, जितनी सलाहियत अल्लाह ने दी थी, जितनी भी मेरे अंदर इस्तेदाद थी, मैं उसको भरपूर तरीके पर इस्तेमाल कर चुका हूं। दमे वापसी बरसरे राह है अजीज़ो अब अल्लाह ही अल्लाह है, ये मेरा मामला रहा है 60 बरस की उम्र से। उसके बाद अल्लाह ने मजीद 14 बरस दिए हैं, ये नाफिलतन लक के दर्जे में मैं कहता हूं, इसका अल्लाह का अतिया खसूसी है, नफल है, हमेशा कहता रहा। मसनून जिंदगी तो 61 बरस है हमारे हिसाब से। अल्लामा इकबाल के बारे में सुना है कि रोया करते थे कहीं मेरी उम्र हुजूर की उम्र से ज्यादा ना हो जाए, वो 6 महीने कम ही रही है हुजूर की उम्र से। जो हुजूर की उम्र थी वही हजरत अबू बकर की, वही हजरत उमर की, वही हजरत अली की। हाँ, हजरत उस्मान 82 बरस के हुए माशाल्लाह। फिर यहां के मुजद्दिदीन में से वही उमर हजरत शेख अहमद सरहंदी की, वही शाह वलीउल्लाह देहलवी की। हाँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 82 बरस की उम्र। लेकिन ये मैं कहा करता था मसनून उम्र तो 61 बरस है, जिसे हम 63 कहते हैं वो असल में हमारे हिसाब से 61 बनता है। वो 63 कमरी है, जो 9 दिन कम है, कमरी साल जो है वो शमसी साल से। बहरहाल मैं उस वक्त से मुंतजिर था, लेकिन जो भी वक्त अल्लाह ने दिया है अल्लाह का शुक्र है, वो मुफीद कामों में लगा है। इनमें खास तौर पर मैं समझता हूं कि अल्लाह का मुझ पर सबसे बड़ा एहसान और मुझ ही पर नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर जो एहसान हुआ है वो मेरा 1998 का दौरा था, जो मैं पुराने जो कराची में हुआ था। 1998 के मार्च में मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ, दोनों घुटने तब्दील किए गए, लेकिन 98 के आखिर में, हालांकि मैं चल नहीं सकता था, कराची में मस्जिद जो है ऊंची है, दूसरी मंजिल पर है, तो खास रैंप बनाया गया जिसके लिए जिसके जरिए मैं व्हील चेयर पर मुझे ले जाया जाता था। आपने दर्श किया, इस दर्स की गुज़श्ता चंद सालों से पूरी दुनिया में जो गूंज हुई है अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह कोई हिकमत खुदाबंदी इसके साथ वाबस्ता है, इसमें मेरे किसी काम को दखल नहीं है, मेरी किसी कोशिश को दखल नहीं है। मैंने तो जो दर्स में देता आ रहा था सन 85 से दौरा तजुबा कुरान, अलबत्ता ये बात जरूर है कि मैंने महसूस किया था कि सन 98 के उस दर्स में दौरा तजुबा कुरान के मुझे खसूसी इंशरा हासिल था। मेरी सारी गुफ्तगू का हासिल क्या है? देखिए, नजरियाती तहरीकों का ताल्लुक अशखास से नहीं होता, ठीक है, कोई उसका दाई होता है, कोई उसका मुअस्सिस हो जाता है, कोई उसका आगाज करने वाला होता है, लेकिन नजरियाती तहरीक अफराद से वाबस्ता नहीं होते। अफराद आते चले जाते हैं अपना अपना हिस्से का काम करके, जिसको जितना मुकद्दर है, जिसकी जितनी अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है, वो अपना काम करेगा, चला जाएगा। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। मुबारक हैं वो लोग जिन्हें कुरान की बोली बोलना नसीब हो जाए। मुझे गुमान है, अल्लाह का फजल है कि मैं उनमें से हूं, मैंने कुरान की बोली बोली है, और कुरान मजीद को जैसा कि वो है एज इट इज, अपने को मजूमा ख्यालात, अपने कोई जहन से जायदा नजरियात को मैंने उसमें दखल नहीं दिया, जिसे अंग्रेजी में आप ऑब्जेक्टिवली कहते हैं। खालिस मारूसी तौर पर कुरान को पढ़ा, कुरान को कुरान से समझाए, या फिर सीरत रसूल से समझाए, मैं लफ्ज सुन्नत की बजाय सीरत इस्तेमाल कर रहा हूं। कुरान मुजस्सम हुजूर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और हुजूर की सीरत और हयात जो है वो कुरान मजीद की असल तफसीर है। ये हकीकत भी बहुत कम लोगों के लिए है। वो अहादीस का नाम तो लेते हैं, अहादीस भी है, सीरत भी तो अहादीस ही से हमें मिलती है, लेकिन मैं खासतौर पर सुन्नत या हदीस की बजाय सीरत का दर्ज करता हूं। कुरान की दो सोर्सेज हैं, कुरान खुद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल इंशाअल्लाह और अजीज ये काम बढ़ेगा चलेगा, ये मैं अभी बाद में अर्ज करूंगा। दूसरी बात जो मैंने आयत पढ़ी आपको, वो मन नुअम्मिर हो नुनक्किस फिल खल्क अफला याकिलू, बहुत बड़ी हकीकत जिंदगी की ये भी है, जिसकी हम उम्र ज्यादा कर देते हैं उसकी खल्क की सलाहियतों में कमी कर देते हैं। मोटी बात है, बुढ़ापा आएगा, हमेशा की मानी हुई बात है। अगरचे जवानी में आदमी बुढ़ापे का तसव्वुर नहीं करता, लेकिन बुढ़ापा आना है, यह भी एक हकीकत है मौत की तरह। गालिब ने कहा था, मुजमहिल हो गए कवाए गालिब, अब अनासिर में एतदाल कहां। एक साहब ने मुझे शेर सुनाया था, इब्राहिम साहब से टोंक के रहने वाले, जोफे पीरी बढ़ गया जोश जवानी घट गया, अब आशा बनवाइए नखले तबन्ना काट कर। ये तबन्नाएं जो है तूरुल अमल, इन्हें काटो, अब गई जवानी, उमंगों वाला दौर गया, और ये जो तमन्नाओं का पौधा है इसमें से लकड़ी लेकर असाए पीरी बनवा लीजिए, अब बुढ़ापे के लिए एक असा दरकार है। बड़ा प्यारा शेर है, जोफे पीरी बढ़ गया जोशे जवानी घट गया, अब असा बनवाइए नखले तमन्ना काट कर। अभी दो तीन दिन हुए हैं यहां पर जो खाना फरहंग ईरान है उसके डायरेक्टर आए थे, उन्होंने फारसी का एक शेर सुनाया, बड़ा प्यारा शेर है, दर जवानी गुफ्तम कि शेर शेरस्त अगरचे पीर बुवत। जवानी में मैं ये कहा करता था कि शेर तो शेर ही होता है, चाहे बूढ़ा हो जाए, बूढ़े होने से उसमें क्या फर्क वाक हो जाए, शेर शेरस्त गरचे पीर बुवत। चूं मैं पीरी रसीदम, जब मैं खुद पीरी और बुढ़ापे को पहुंच गया दीदम, तो मुझे ये बात नजर आई कि पीर पीरस्त गरचे शेर बुवत, बूढ़ा बूढ़ा ही होता है चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। तो ये बुढ़ापा जो है ये जिंदगी की दूसरी बड़ी हकीकत है। इसका एक असर तो सबको मालूम है, कवाए गालिब जो मैंने कहा, बुढ़ापे का आम नतीजा जिस्मानी ज़ौफ, सब जानते हैं, लेकिन मुझ पर और कुछ और लोगों पर भी खास तौर पर इसका जो एक असर होता है या मुझ पर हुआ है, वह याददाश्त की कमजोरी। और यह मैं कई साल से महसूस कर रहा हूं, कई साल से महसूस कर रहा हूं। मेरी पुरानी याददाश्त बड़ी मजबूत है, कवि है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन रीसेंट पास की चीजें जो है, पिछले पांच छह साल के वाकयात मुझे याद नहीं रहते, अशखास से मिला हूं और देख के पहचान लेता हूं, कई बार मुलाकात हुई है, नाम याद नहीं आता। तारीखें और अशखास के नाम के एतबार से तो खास तौर पर कई साल से मेरी जो मेमोरी है वो इम्पेयर्ड है, और मैं महसूस करता रहा हूं कुछ अरसे से कि ऐन तकरीर के दौरान महसूस होता ब्लैकआउट हो गया, और मुझे सिलसिला कलाम जोड़ने के लिए सोचना पड़ा। बाज औकात हजार करोड़ मरतबा बोले हुए अल्फाज गायब, अब चाहे कितना ही जोर लगा लूं वो लफ्ज याद नहीं आएगा, हां थोड़ी देर के बाद खुद बहुत याद आ जाएगा। मेरे इस ऑपरेशन से चंद अब कुछ अरसे पहले तक जो मेरी तकरीरें यहां हुई उनमें बहुत से लोगों ने नोट किया, मेरी तकारीर में अब वो रवानी नहीं रही थी, वो जो क्रॉस रेफरेंसेस आया करते थे जिसके बिना पर एक मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब थे नागपुर के इंडिया के मौलाना अली मियां के वो खुलफा में से, उन्होंने तफसीर भी लिखी है कुरान की, वो एक मरतबा लाहौर आए थे तो उसे भी मुलाकात हुई, मेरा दर्स भी सुना, फिर यहां वो एक दीनी इदारे में गए, वहां मेरे खिलाफ बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई उस शख्स की क्या बात करते हो,
उसके सामने तो मालूम होता है कि कुरान खुला हुआ है, जहां से चाहे ले ले। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। तुम क्या बात कर रहे हो उसके बारे में? तो अब्दुल करीम पारिक साहब की वो जो तासुब था वो सही था, क्रॉस रेफरेंसेस का आना, अल कुरान यफसर बाज़ुल भाषा, उसमें बहुत कमी आ गई। बहरहाल इसके अलावा तीसरी चीज होती है बुढ़ापे में रेजिस्टेंस की कमी की वजह से अवारिस, ब्लड प्रेशर का मैं मरीज हूं और कोई 25 बरस से हूं, शुगर का मैं मरीज हूं और कोई 5 बरस से हूं। एक खास बरस जो मुझ पर आया है आज से 4 साल पहले, उसकी एक तारीख है। ये जो अमराज दिमागी के माहिरीन है ये कहते हैं कि एक मर्ज है बाइपोलर डिप्रेशन। इंसान में कभी तो इंशराह होता है, एक्टिविटी होती है, सोचता है और एक्टिव करने के लिए, गुफ्तगू के लिए, भाग दौड़ के लिए तबीयत में आबादी होती है। कभी वो बुझ सा जाता है, कभी वो हरकत करने को जी नहीं चाहता, पड़ा रहे किसी कोने में, सो जाए। तो ये बाइपोलर मामला कहलाता है, ये वेव चलती है। अच्छा, ये है हर इंसान में, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं मूड ऑफ है भाई मेरा, मुझसे बातें करो। तो ये मूड का ऑफ हो जाना, ऑन हो जाना, ये आम आदमी में भी होता है। लेकिन जो अल्लाह के किसी फजल व करम से ज्यादा ज़हीन हो, ज्यादा हसास हो, उनमें फिर ये जो वेव है ये ज्यादा ऊंचाई ज्यादा नीचाई, ज्यादा ऊंचाई ज्यादा नीचाई, और इसको फिर हम कहते हैं मर्ज, बाइपोलर। ये हमारा खानदानी मर्ज है, वाले साहब का था, वो था बड़े भाई इजहार अहमद साहब को हुआ, मेरी बड़ी हमशीरा को हुआ। आमतौर पर इसकी उम्र होती है, होती थी, 3 तजर्बे मुझे हैं, वाले साहब को 13 बरस मैंने अटेंड किया है उस बीमारी में, 52 से 65 तक जबकि उनका इंतकाल हुआ। तो ये आमतौर पर शुरू होता है 50 बरस के लगभग। मेरी उम्र जब 50 बरस के लगभग हुई तो मुझे कई मरतबा महसूस हुआ कि मेरी तकरीर के दौरान स्विच ऑफ होता है। एक मरतबा सन 70 में मेरी याददाश्त कई घंटों के लिए बिल्कुल जाहिर हो गई, इसका मैंने तस्करा किया हुआ मेरी किताब है हिसाब कमोबेश, जो कैफियत मुझ पर गुजरी थी, जिस कर्म के आलम में वो चंद घंटे मुझ पर गुजरे थे, मैं उन्हें अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आदमी खराब है, न इब्तिदा की खबर है, न इंतहा मालूम, कुछ भी नहीं। मैं जब 50 बरस का हुआ और ये दो एक मरतबा मुझे झटके लगे मस्जिद समनाबाद के अंदर, तो मैंने डॉक्टर रशीद चौधरी साहब से, वो मेरे वालिद साहब के भी मुआलिज रहे थे, मैंने उनसे कहा कि ये डेंजर जोन में मैं दाखिल हो गया। उनका नहीं नहीं आपको ये नहीं होगा, इसलिए कि आप अल्लाह के किताब की खिदमत कर रहे हैं। तो उनकी ये बात तो पार्शली ट्रूथ निकली कि 70 बरस की उम्र में मुझ पर ये 20 बरस अल्लाह ताला ने मुझे इसमें एक बोनस दे दिया। 70 बरस में जहूर हुआ, उसका एक्साइटिंग काज बना है अफगानिस्तान में जो हादसा हुआ तालिबान के साथ, इतना सदमा मुझे था, एकदम बैठ गया। ये चीज जो है अभी कंटिन्यू कर रही है। तो फ्रेंड्स, सच में कितना अच्छा समझाए मौलवी साहब ने, कितने बढ़िया से बताए हैं बीडीएम के माध्यम से कि मतलब सबसे बड़ा सच क्या है। सच में सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे बड़ा सच यही है कि हमको सबको एक दिन मरना है, सबको इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है, ये सबसे बड़ी सच है। एक सच है कि खुदा से एक होना है, ये दो सच तो बिल्कुल जायज है कि इंसान सोच नहीं पाता है कि हमको ये दिन मरना है, तो उसी के लिए ये वीडियो है। कितना अच्छा से समझाए बताए हैं कि हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं, तो हम बोते यहाँ पे, काटना कहाँ पड़ता है? ऊपर खुदा के पास जब हम जाते हैं तब हमको काटना पड़ता है। जैसे हम बीज डालते हैं वैसे हमको वहाँ पे मतलब फल मिलती है, तो
तो हम अगर अच्छाई के बीज डालते हैं तो अच्छाई मिलती है, बुराई के बीज डालते हैं तो बुराई मिलती है। जैसे हम खेती के हम काटते हैं उसी तरीके से हमको ऊपर जाके अल्लाह ताला के पास जब जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, तो ऐसा हमको वहाँ पे वो चीज़ जाहिर होती है, मिलती है। तो सच में फ्रेंड्स, ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी कोई आया है तो एक दिन जाना ही जाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमेशा अल्लाह ताला से जुड़ के रहना चाहिए, उनके लिए इबादत करना चाहिए, हमेशा अच्छाई करना चाहिए, हर घड़ी अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा महसूस फीलिंग करना चाहिए कि हमको जो इस दुनिया में हम आए हैं, हम जो नहीं कर पाए हैं उसको पूरा करना चाहिए। कब इस शरीर के एंड हो जाए कोई पता नहीं है, तो हर घड़ी तैयार रहना चाहिए कि एक सच बिल्कुल जायज़ है कि इस दुनिया से सबको जाना है, तो हर एक काम कर लेना चाहिए। जो भी हमको अल्लाह ताला के साथ जुड़ना है वो भी काम कर लेना चाहिए, अपने परिवार के साथ जो हम रहते हैं जो अधूरा काम है उसको भी पूरा कर लेना चाहिए, जो हम किसी से रूठते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं तो उसको लिए भी सोचना चाहिए। ज़िंदगी में क्या है, लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होती है, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, एक दिन तो सबको जाना ही जाना है। तो वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा समझाए हैं कि एक बुढ़ापा, एक मतलब मौत तो बिल्कुल एंड है। जैसे हम 50 साल के हो जाते हैं तो हमारा जो मेमोरी होती है, जो हमारा दिमाग होता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। हम वो चीज़ नहीं सोच पाते हैं जो मतलब जवानी में लोग सोचते हैं, जो जवानी में करते हैं, बुढ़ापे में तो सच में नहीं हो पाती है, बहुत दिक्कत होती है। अगर 50 साल के जब बंदे हो जाते हैं तो उनको हर एक काम गृहस्थी में थोड़ा परेशानियाँ उठाना पड़ता है, तो इसलिए जवानी में हर एक काम कर लेनी चाहिए। अगर हमको कहीं जाना है तो उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आलतू फालतू जगह पे नहीं जाना चाहिए, कभी गंदे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा अच्छाई मन में लेना चाहिए। अच्छा काम करते हैं तो हमारा खुदा भी हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमको ध्यान देते हैं, हमको अच्छा सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, उस रास्ते पे हमको चलना चाहिए। तो बिल्कुल सच में अगर मौत तो सबको एक दिन आना है तो डर तो लगता ही है, कौन नहीं डरता है मौत से, इसलिए सही काम करके रखना चाहिए, जो मतलब हर एक काम को हमेशा अच्छाई बना के रखना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए, यही बताए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा फ्रेंड्स। ये सब वीडियोस क्या होती है ना, सीख मिलती है, समझ मिलती है, नॉलेज मिलती है। हमको जो काम नहीं कर पाते हैं तो इससे क्या होता है, एक मतलब अंदर ताकत आ जाती है उस काम करने के लिए, अंदर जोश आ जाती है कि हमको ये काम करना है। तो इससे हम लोग के ज़्यादा सीख नॉलेज मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं जो ऐसे गलत कमेंट करते हैं तो कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हम उनको भी सम्मान देते हैं, कोई बात नहीं, आप अगर करते हो गलत कमेंट तो मुझे भी आपसे भी अच्छा लगता है, कम से कम उसी बहाने तो कमेंट करते हो, तो करते रहिएगा। हमारे सब्सक्राइबर सभी बने हैं तो सबकी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू उनके लिए, तो हमारे लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, हमेशा मैं आप लोग कमेंट देखती हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।